मुझे इस बात का हो। बड़ा अफसोस है कि जिस प्रकार से हमारे हरियाणा प्रदेश का गृह मंत्री, और इतना अच्छा गृह मंत्री हो अनिल विज जैसा, और फिर भी हमारे इस महेंद्रगढ़ में भ्रष्टाचार को बढ़ा देने के लिए कुछ अधिकारी, मैं बात करता हूँ आज कनेड़ा सिटी में जिस प्रकार से एक SHO लग रहा है, और उस SHO ने इतनी बड़ी लूट मचाने का काम किया कि आज अगर मेरे पास में कुछ ठेकेदार आए थे और उन्होंने कहा कि जी जिस प्रकार से एक कई सिटी इंचार्ज लगा हुआ है और उसने जिस प्रकार का कहर ढा रखा है, वो हमारे से लाखों रुपए भी लेता है और मुकदमे बनाने का काम करता है, तो मैं आज इस बात के ताजुब में पड़ गया कि क्या हमारे इस दक्षिणी हरियाणा को, खास करके महेंद्रगढ़ को, क्या इतना कमजोर समझ लिया जो आज अधिकारी अपने आप में पैसे लेने से पीछे हट नहीं हट रहे, और किसी किसी जो अपने आप में अगर दोष भी ना करे तो उसको भी कहीं न कहीं 120B में उसको ये कह करके, ड्रा देख करके, और जिस प्रकार से पैसे ठने का काम करते हैं, तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ, मैं वैसे तो अनिल विज का जो हमारा गृह मंत्री है उसका धन्यवाद करता हूं कि पीछे भी काफी ऐसे अधिकारियों को उन्होंने जिस प्रकार से इंक्वायरी करवा करके सस्पेंड करने का काम किया। मैं ये चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को हमारे जिले में भी, जिस प्रकार से मैं ये कहूं कि मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा SP ईमानदार है, लेकिन जिस प्रकार से ये एक सिटी इंचार्ज जो लगा और इसने इस हमारे कनेड़े में आने के बाद में जिस प्रकार की लूट मचाने का काम किया, उसको लेकर के मैं गृह मंत्री जी से और हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं समझूंगा कि इस बात की हमारे जो इस भोले वाले इलाके को जो लूटने का काम कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसने का काम करें, नहीं तो आखिरकार हमें रोड पर आना पड़ेगा और रोड पर आकर के इन अधिकारियों के खिलाफ हमें धरना प्रदर्शन कर करके और फिर सरकार के खिलाफ हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा।